वेलकम बैक, आई एम धर्मेंद्र सर फ्रॉम डीएसएल इंस्टीट्यूट डॉक्टर मुखर्जी ने दिल्ली। बेटा स्पोकन वर्ड्स हमने दिए और स्पोकन वोकैब, स्पोकन सेंटेंसेस, एक एक वर्ड्स, एक एक फ्रेज। मैं चाहता हूँ कि आपको कुछ सेंटेंस दूँ, कुछ फ्रेज दूँ जिसमें आपको सारे वर्ड्स हो और वो सेंटेंस बना करके दूँ ताकि आपको बोलना आ जाए। मैं फील कर पा रहा हूँ कि आपको बहुत सारे सेंटेंसेस चाहिए जिसमें आप अंग्रेजी बोल पाएँ, अंग्रेजी में कर पाएँ। बहुत सारे एक फ्रेज का, जैसे फॉन्ड ऑफ, क्रेजी अबाउट, इन सारे शब्दों का यूज़ कहाँ करते हैं। तो सेंटेंस बना कर देखते हैं हम लोग। फील लाइक, मन कर रहा है। फील लाइक मतलब मन करना। अब देखो पहला वर्ड क्या है, फील लाइक, मन कर रहा है। तो यहाँ पे मन करना, तो जहाँ भी आपको बोलना हो कि मन कर रहा है, मुझे नाचने का मन कर रहा है, उसे खेलने का मन कर रहा है, उसे मैंगो पसंद कर रहा है, खेलने का कुछ भी मन कर रहा हो, जैसे फील लाइक, यहाँ वर्ड है फील लाइक, मन कर रहा है। ये सारे वर्ड को ना लिख लो आप कॉपी निकाल करके। तो फील लाइक मन करना, डू यू फील लाइक डांसिंग, क्या तुम्हें नाचने का मन कर रहा है, यस आई फील लाइक डांसिंग, नो आई डोंट फील लाइक डांसिंग। तो सबसे पहले क्वेश्चन क्या पूछा, डू यू फील लाइक डांसिंग, तो इसका जवाब हमने क्या दिया, यस आई फील लाइक डांसिंग, नो आई डोंट फील लाइक डांसिंग। क्लियर। क्वेश्चन पूछ सकता है, डू यू फील लाइक टेकिंग मैंगो, डू यू फील लाइक टेकिंग मैंगो, क्या तुम्हें मैंगो लेने का मन कर रहा है। डू यू फील लाइक प्लेइंग, क्या तुम्हें खेलने का मन कर रहा है। डू यू फील लाइक टेकिंग आइसक्रीम, क्या तुम्हें आइसक्रीम लेने का मन कर रहा है। डू यू फील लाइक गोइंग होम, क्या तुम्हें घर जाने का मन कर रहा है। तो जहां भी मन कर रहा हो वहां पे आप फील लाइक प्रयोग कर सकते हो। यहां पे खास पर ध्यान रखना बच्चे कि फील लाइक के साथ वर्ब का फोर्थ फॉर्म लगाना, यानी आईएनजी फॉर्म लगाना। वो आईएनजी फॉर्म जो होता है वो जेरंड का काम कर जाता है, जैसे आई फील लाइक डांसिंग, आई फील लाइक प्लेइंग, आई फील लाइक प्लेइंग क्रिकेट, आई फील लाइक डांसिंग, राइट। तो इस तरह से आप प्रयोग कर सकते हो। अगला वर्ड देखो, फॉन्ड ऑफ। यहां पे फॉन्ड ऑफ, एफ ओ एन डी, फॉन्ड ऑफ का मतलब होता है के शौकीन होना, किसी चीज का शौकीन रहना, तो इसको बोलते हैं फॉन्ड ऑफ। तो फॉन्ड ऑफ मतलब शौकीन होना। जैसे हम बोले आर यू फॉन्ड ऑफ आइसक्रीम, क्या तुम्हें आइसक्रीम का शौक है। तो आर यू फॉन्ड ऑफ आइसक्रीम, यस आई फॉन्ड ऑफ आइसक्रीम। आर यू फॉन्ड ऑफ डांसिंग, यस आई एम फॉन्ड ऑफ डांसिंग। तो आर यू फॉन्ड ऑफ गॉसिपिंग, क्या तुम गपशप करने के शौकीन हो, है ना। तो आर यू फॉन्ड ऑफ प्लेइंग, क्या तुम खेलने के शौकीन हो। आर यू फॉन्ड ऑफ म्यूजिक, क्या तुम्हें म्यूजिक का शौक है, है ना। इस तरह से आप सेंटेंस बोल सकते हो। आर यू फॉन्ड ऑफ वॉचिंग टीवी, क्या तुम टीवी देखने का शौकीन हो। तो इस तरह से आप शौकीन होने की जहां भी वर्ड होगा वहां पर लगा सकते हैं। अगला वर्ड है व्हाट टाइप ऑफ, किस तरह के, है ना। जैसे तुम किस तरह के आदमी हो, किस तरह के आदमी पसंद करते हो। व्हाट टाइप ऑफ पीपल डू यू लाइक, तो व्हाट टाइप ऑफ ए वर्ड याद करना आपको स्पीकिंग की तरह में, फाइव व्हाट टाइप ऑफ। जब आप स्पीकिंग करते हैं तो तरह तरह के वर्ड्स हिंदी में आपके दिमाग में आते हैं, आप उसको सोच नहीं पाते, बोल नहीं पाते। तो यहाँ पे क्या बोलना है, व्हाट टाइप ऑफ पीपल डू यू लाइक, मतलब किस तरह के आदमी को आप पसंद करते हैं। व्हाट टाइप ऑफ पीपल डू यू लाइक, तो व्हाट टाइप ऑफ मतलब क्या हुआ, किस तरह के। तो आपको जवाब हो सकता है, क्वेश्चन क्या पूछा गया, व्हाट टाइप ऑफ पीपल डू यू लाइक, तो आप आंसर दे सकते हैं आई लाइक एजुकेटेड, वेल मैनर्ड एंड कोऑपरेटिव पीपल। क्लियर। व्हाट टाइप ऑफ मूवी डू यू लाइक, आप कह सकते हैं आई लाइक फैमिली मूवीज। अगला क्वेश्चन हो सकता है, व्हाट टाइप ऑफ बॉयज डू यू लाइक, तुम किस तरह के लड़के पसंद करते हो। आप जवाब दे सकते हो आई लाइक एन इंटेलिजेंट बॉय। क्वेश्चन पूछ सकते हो, व्हाट टाइप ऑफ गर्ल डू यू लाइक, आप जवाब दे सकते हो कि आई लाइक अ ब्यूटीफुल गर्ल। व्हाट टाइप ऑफ सिटीज डू यू लाइक, तो आप आंसर दे सकते हैं। इस तरह से व्हाट टाइप ऑफ मतलब हुआ किस तरह के। क्लियर। अगला वर्ड देखो, हाउ ऑफन। हाउ ऑफन का मतलब हुआ कितनी बार, कितनी बार, हाउ ऑफन। इसको लिख लो, सब लिख पा रहे हो सब लोग। तो हाउ ऑफन डू यू टेक फूड अ डे, हाउ ऑफन डू यू टेक फूड अ डे, तुम एक दिन में कितनी बार खाते हो। आई टेक फूड टू टाइम्स अ डे, आप क्वेश्चन में बना रहा हूं, आप आंसर मन में सोचते रहो और बनाते रहो। हाउ ऑफन डू यू टेक बाथ अ डे, हाउ ऑफन डू यू गो टू टेम्पल इन अ वीक, हाउ ऑफन डू यू गो टू चर्च इन अ वीक, हाउ ऑफन डू यू टेक ब्रेकफास्ट इन अ डे, हाउ ऑफन डू यू अपीयर एट द एग्जामिनेशन इन अ ईयर। तो आप व्हाट एवर कम्स योर माइंड, आप जितने प्रकार हो सकते हैं आप क्वेश्चन का प्रयोग कर सकते हैं, आप बोल सकते हैं। अगला वर्ड है क्रेजी अबाउट। क्रेजी अबाउट का मतलब हुआ कि दीवानगी सवार है, कि पागलपन सवार है।
तो किस चीज के लिए क्रेजी अबाउट बोलना है तो नहीं बोलते हैं क्रेजी अबाउट, के लिए पागल होना। जैसे आर यू क्रेजी अबाउट म्यूजिक, तो ये म्यूजिक का दीवानगी सवार है। आर यू क्रेजी अबाउट, तो क्रेजी अबाउट की दीवानगी सवार है। तो आर यू क्रेजी अबाउट म्यूजिक कि म्यूजिक दीवानगी सवार है। यस आई एम क्रेजी अबाउट म्यूजिक, हाँ म्यूजिक का मुझे दीवानगी सवार है। तो आर यू क्रेजी अबाउट म्यूजिक, म्यूजिक का दीवानगी सवार है। तो क्रेजी अबाउट मतलब क्या हुआ, दीवानगी सवार है। आर यू क्रेजी अबाउट इंग्लिश लैंग्वेज, आर यू क्रेजी अबाउट इंग्लिश लैंग्वेज, क्या तुम अंग्रेजी लैंग्वेज का भूत सवार है। आर यू क्रेजी अबाउट कंप्यूटर, कंप्यूटर का भूत सवार है। आर यू क्रेजी अबाउट डांसिंग, डांस का भूत सवार है। आर यू क्रेजी अबाउट क्रिकेट, क्रिकेट का भूत सवार है ना। इस तरह से आप तरह तरह के वर्ड बोल सकते हैं और काम कर सकते हैं। इस तरह से आप जितने भी वर्ड्स आपने देखे ये सारे वर्ड्स आपको याद करने हैं और सारे वर्ड्स को लिख लेना है कॉपी में, और लिख करके आपको याद कर लेना है। और यकीन मानो एक एक करके सारे वो कैब मैं आपको दे रहा हूँ ये सब याद करके टिप ऑफ द टंग होना चाहिए, और फिर आप जब बोलोगे तो आपका औरों से अलग पहचान बनेगी और आप औरों से भिन्न बनोगे। मैं अब कोशिश कर रहा हूँ कि आपको एक एक फ्रेज का, एक एक वर्ड्स का पूरा फ्रेज दे दूँ जिससे आप बेहतर अंग्रेजी बोल सकते हो, बेहतर कर सकते हो। और मेरा प्रयास हमेशा आपके लिए प्रयासरत है, मैं हमेशा चाहता हूँ कि आपका पहचान औरों से भिन्न हो। तो इस तरह से आपने अभी तक अगर आपने बढ़िया से फैलाया नहीं है, YouTube से लेकर के WhatsApp से लेकर के Facebook तक सारे बच्चों को शेयर करके और सबको सिखाइए आप। मेरा काम आप करिए, आपका काम मैं कर रहा हूँ। थैंक यू वेरी मच, फिर मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। थैंक यू।